हाय एवरीवन, वेलकम हियर। इस वीडियो में क्लास सिक्स का इंग्लिश का सैम्पल पेपर कंप्लीट करेंगे। ओके, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर वन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस डैट फॉलो। एक पैसेज दे रखा है आपको, उसमें आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सोल्व करनी है। पैसेज को रीड करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज डैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु ऑर्डर्ड द ग्रैंड डिनर। ग्रैंड डिनर किसने ऑर्डर किया? तो फर्स्ट लाइन में देख लो आप, वंस द महाराजा ऑफ ट्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो किसने किया? महाराजा ऑफ ट्रावणकोर। तो सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द महाराजा एंटर। महाराजा कहाँ पर एंटर हुए? तो इसमें दे रखा, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज। तो कहाँ पर हुए वे? द किचन, किचन में वो एंटर हुए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रब्स, हु सेड दिस। आप इन वेजिटेबल स्क्रब्स को क्या करने वाले हो, इनको ले जाके? तो ये किसने कहा था? द कुक, द महाराजा, द महारानी, द गेस्ट। तो किसने कहा था ये? दी महाराजा। अब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, व्हाट वाज किप्ट इन द बास्केट। बास्केट में क्या रखा हुआ था? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्क्रैप्स। तो क्या रखा हुआ था? वेजिटेबल्स रखे हुए थे बास्केट में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए नाउन। जो नाउन नहीं है वो बताना आपको। ग्रैंड, बास्केट, वेजिटेबल, ट्रावणकोर। तो बास्केट क्या है? जिसमें कुछ डालते हैं हम। तो बास्केट क्या किसी चीज का नेम हो गया, वैसे वेजिटेबल भी। और ट्रावणकोर क्या है? किसी प्लेस का नेम हो गया। तो इसमें नाउन कौन नहीं है? ग्रैंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ग्रैंड क्या एक एडजेक्टिव है, इट्स नॉट नाउन। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एक पैसेज दे रखा है, इसको रीड करते हैं। रंबो वॉज अ लिटिल ग्रास होपर, ही लव्ड म्यूजिक एंड डांस ऑल द टाइम, ही नेवर वर्कड और प्लान्ड, हिज फ्रेंड जोली द अंट वॉज अ हार्ड वर्कर, शी वॉज ऑलवेज बिजी व्हेन इट बिगैन टू स्नो इन द विंटर, ग्रास होपर हैड नो फूड टू ईट, जोली गेव हिम फूड टू ईट, रंबो प्रोमिस टू वर्क फ्रॉम देन ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, व्हाट डिड रंबो द ग्रास होपर डू ऑल डे। क्या करता था रंबो, एक ग्रास होपर था, जो क्या करता था पूरे दिन? डांस्ड ओनली, लिसन टू म्यूजिक ओनली, हार्ड वर्क। तो सी तो आपको आपका लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज हार्ड वर्क तो वो बिल्कुल नहीं करता था। तो क्या करता था वो? ही लव्ड म्यूजिक एंड डांस ऑल द टाइम। ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है इसका, हु वॉज जोली। जोली कौन थी? Another grasshopper, an ant, Rumbo's pet, a magician. तो बी क्या? अंट थी जोली। थर्ड है, what happened to the grasshopper in the winter? विंटर में grasshopper के साथ क्या हुआ? He had no food to eat. उसके पास खाना ही नहीं था खाने के लिए विंटर्स में, क्योंकि वो मेहनत बिल्कुल नहीं करता था। तो जब विंटर आए तो उसके पास फूड बचा ही नहीं खाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड द ग्रास होपर। ग्रास होपर की हेल्प किसने की? जोली द अंट। तो जोली उसकी फ्रेंड थी जिसने उसकी हेल्प की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड रंबो प्रॉमिस। रंबो ने क्या प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा उस दिन के बाद? वो हार्ड वर्क करेगा, अपना काम करेगा। तो उसने क्या प्रॉमिस किया? डी, टू वर्क फ्रॉम देन ओन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी के आपका राइटिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसमें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 2 days सिक लीव। तो ये एप्लीकेशन तो हर बच्चा लिखता है अपने स्कूल में छुट्टियां लेने के लिए, वो बीमार है तो उसे छुट्टी चाहिए। तो वो अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखता है। राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 days लीव टू अटेंड ए रिलेटिव्स वेडिंग। अब उसमें दूसरी वाली में क्या था? वो आप बीमार हो तो इसलिए आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और इस एप्लीकेशन में क्या? आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए कि ये आपके रिलेटिव की वेडिंग को अटेंड करने के लिए। ओके, तो ये आप कर लेना।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, पैराग्राफ लिखना आपको। फर्स्ट टॉपिक दे रखा है इसमें माय स्कूल, अपने स्कूल के बारे में। तो ये बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें अपने स्कूल के बारे में हर कोई बच्चा लिख सकता है। आपको हिंट भी दे रखी है इसमें, अपने स्कूल का नेम, आपकी बिल्डिंग कैसी है स्कूल की, कहाँ पर है वो स्कूल, टीचर्स कैसे हैं, कितने हैं, स्कूल गार्डन, आपका प्ले ग्राउंड, क्लास रूम, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। 6 मार्क्स का ये, तो आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। और आप इसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हो, अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हो। बी दे रखा है इसमें एनी फेस्टिवल, आपको किसी फेस्टिवल के बारे में लिखना है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, न्यू क्लोथ्स, स्वीट्स, फूड, डेकोरेशंस, मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो आज दिवाली है तो बहुत सारे पटाखे की यहाँ पर साउंड आ रही होगी, तो आप दिवाली के बारे में भी लिख सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, सेलिब्रेशन कैसे होता है, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं हम, मिठाइयाँ खाते हैं और डेकोरेशन करते हैं, दिए लगाते हैं, तो आप इस लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, तो आप इसमें भी बहुत सारी थिंग्स ऐड कर सकते हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, दोनों ही बहुत ईजी हैं आपके, आप डेली बेसिस पर इनको देखते हो। ओके, तो आप ये कर लेना। सेक्शन सी है हमारा ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5th है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय पिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें द प्लूरल ऑफ नाइफ, नाइफ का प्लूरल लिखना है। तो नाइफ क्या होता है, चाकू होता है, उसका प्लूरल क्या लिखेंगे, एफ ई होता है, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, वी ई एस, तो क्या आ जाएगा, नाइफ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2nd है द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, सुंदर का ऑपोजिट क्या होता है, अगली। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट हो जाएगा अगली। 3rd इसका द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, अब फ्रॉग कुएं में ही जंप लगाता है तो क्या आ जाएगा, इनटू द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4th इसका डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ राइट, राइमिंग वर्ड मीन्स यानी एक जैसे साउंड आती है जिस वर्ड की, तो राइट के साथ किसकी साउंड आती है, रोट, हाइट, राइम, चीट, तो राइट और हाइट, हाइट इसका क्या होगा, राइमिंग वर्ड हो जाएगा। 5th है इसका राइमा एंड सोनल डैश गोइंग फॉर अ वॉक, तो राइमा एंड सोनल दो हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, राइमा एंड सोनल आर गोइंग फॉर अ वॉक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से ये समझना है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आप इनको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6th है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये बॉक्स दे रखा है, हिंट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो चिल्ड्रन आर फोंड डैश चॉकलेट, चिल्ड्रन को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, चॉकलेट्स, सो चिल्ड्रन आर, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ इसको, चिल्ड्रन आर फोंड ऑफ चॉकलेट, किसका फोंड होता है, चॉकलेट्स का। आई लाइक टू स्पेंड टाइम डैश माय फैमिली, मैं क्या पसंद करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो क्या आ जाएगा इसमें, विद आ जाएगा, विद माय फैमिली। आई लीव माय बेड, टाइम के साथ क्या आता है, हमेशा एट आता है, आई लीव माय बेड एट 6 AM। डी है आपका माय फादर वर्कड डैश होम ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मेरे पापा कहाँ से, पेंडेमिक के दौरान घर पर ही काम किया करते थे, तो क्या आ जाएगा, माय फादर वर्कड फ्रॉम होम ड्यूरिंग पेंडेमिक। इसका ही लिव्स डैश आगरा, वो कहाँ पर रहता है, आगरा में रहता है, ही लिव्स इन आगरा। तो फर्स्ट में हो जाएगा ऑफ, सेकेंड में विद, थर्ड में एट, फोर्थ में फ्रॉम, फिफ्थ में इन, ये प्रीपोजिशन हमने लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 7th है गिव सिंगुलर ऑफ, इनका सिंगुलर बताना है आपको, ये प्लूरल दे रखे हैं, इनका हमें सिंगुलर बताना है। तो बेबीज का सिंगुलर क्या होगा, बेबीज तो बहुत सारे, और सिंगुलर क्या लिखेंगे हम, बेबी, बेबी क्या हो जाएगा इसका, सिंगुलर हो जाएगा। चिल्ड्रन का क्या होगा, चाइल्ड, चाइल्ड एक ही बच्चा। मैंगोज का मैंगो, मैंगोज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंगो एक ही होता है। टेबल्स, टेबल्स का क्या होगा, टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज द, हैव, हैज, ये यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। सो फर्स्ट इसमें डैश बैगर आस्क्ड फॉर मनी,
क्या जाएगा इसमें? द बेगर आस्क्ड फॉर मनी. सेकंड में शी डैश ईटिंग द केक. शी क्या सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, शी इज ईटिंग द केक. दे डैश गोन फॉर अ पिकनिक. दे क्या है? प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव. दे हैव गोन फॉर अ पिकनिक. फोर्थ में माई फ्रेंड डैश अ पैट डॉग. माई फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा. माई फ्रेंड हैज अ पैट डॉग. तो आपको ऑप्शन में भी क्या दे रखा था? क्या था? इज द हैव हैज. ये चारों ही हमने यूज कर लिए. अब आते हैं सेक्शन डी पर. सेक्शन डी लिटरेचर, आपके लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. क्वेश्चन नंबर 9th है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एक एक्सट्रैक्ट दे रखा आपको चैप्टर में से, उसको रीड करेंगे हम. क्या है? डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट. वेंडरिंग मतलब भटकना. अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड. फ्राइटेंड यानी डरा हुआ. ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. वो डरता था जो उससे स्ट्रोंग होते थे. हाउ डिड डॉग्स वंस लिव. एक किस तरह रहा करते थे डॉग? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम. यहाँ से यहाँ तक यानी डॉग क्या एक बार अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे और वो भी आज़ादी में रहा करते थे जैसे कि वॉल्व्स रहते हैं, भेड़िए रहते हैं. तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. सेकंड का, व्हाट वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड ऑफ. किससे टायर्ड और बीमार हो जाया करते थे डॉग? क्या? द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड. किससे? कि वो भटकते रहते थे किसके लिए? फूड के लिए, लेकिन उनको फूड नहीं मिलता था जिससे वे टायर्ड हो जाते थे. बिल्कुल. तो क्या होगा? ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा. द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड. ऐसे लिखना आपको. थर्ड इसका, विच अदर एनिमल इज मैंशनड इन द पैसेज. अब आप पैसेज रीड कर लिया होगा तो किस दूसरे एनिमल को मैंशन किया गया है? तो हमने फर्स्ट लाइन में देखा वोल्स, ये दूसरा एनिमल मैंशन किया हुआ है भेड़िए को. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वोल्फ. वोल्फ वोल्फ को मैंशन किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10th, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इसमें भी एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दे रखा है. व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर द अदर्स. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग. तो ये होम के बारे में बताया. ये लविंग होता है, यहाँ पर बहुत सारी फैमिली होती है हमारी, ब्रदर सिस्टर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका है, होम इज मेड ऑफ. होम किससे बनता है? ब्रेक एंड स्टोन्स, लविंग फैमिली मेंबर्स, शेल्फिश एक्ट, विंडोज एंड डोर्स. तो किससे बनता है होम? लविंग फैमिली मेंबर्स. हाउस बनता है किससे? ब्रिक्स और स्टोन से. सेकंड, पीपल इन द फैमिली क्या करते हैं? डू नॉट रिस्पेक्ट ईच अदर, हेट ईच अदर, लव ईच अदर. तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. थर्ड इसमें, द ऑपोजिट ऑफ अनसेल्फिश एक्ट. अनसेल्फिश क्या है? निस्वार्थ. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्वार्थ. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्फिश. फैमिली मेंबर्स के बीच क्या होता है? अनसेल्फिश एक्ट होता है. कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती उनमें, निस्वार्थ वो वर्क करते हैं. ओके, तो इसका ऑपोजिट सेल्फिश हो जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स. इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए आपके लिटरेचर के. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. तो डॉग क्यों फील करता था कि उसको जरूरत है किसी मास्टर की? क्यों करता था वो? इसका आंसर देखते हैं. द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट एलोन लुकिंग फॉर फूड एंड गेटिंग फ्राइटेंड बाय दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम. Therefore, he decided to serve someone who was the strongest on earth. क्यों फील करता था वो? बिकॉज वो टायर्ड हो गया था, बिल्कुल थक गया था, भटकता रहता था अकेला, फूड नहीं मिलता था उसको और डरता था जो उससे स्ट्रोंग होते हैं उनसे वो डरा करता था. तो उसने डिसाइड किया उसे ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो, वो किसी से ना डरे और जो डॉग है वो सेफ फील कर पाए. तो इसलिए वो उसको नीड थी एक मास्टर की. तो ये आपका आंसर हो जाएगा.
सेकेंड क्वेश्चन है, हु डिड द डॉग फाइनली चूज एज इज मास्टर एंड वाई? ही फाइनली चूज मैन एज इज मास्टर बिकॉज वन डे ही रियलाइज डेट लोयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ. ही चूज मैन एज इज मास्टर. सो फाइनली उसने मैन को चूज कर लिया था अपना मास्टर बिकॉज, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया था कि जो लोयन, जिसको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, वो भी किससे डरता है? मैन से डरता है. तो वो ऐसे ही आदमी की, ऐसे मास्टर की खोज में था जो कि सबसे पावरफुल हो, कोई उससे ना डरे. तो क्या किया उसने, मैन को अपना मास्टर बना लिया. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंटेड बिटवीन ए हाउस एंड ए होम ऑन द बेसिस ऑफ द पोइम. तो ये पोइम है ए हाउस एंड ए होम. डिफरेंस बताना आपको क्या डिफरेंस हो जाएगा. ए हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, कॉन्क्रीट, वुड्स एंड टायर्स. हाउएवर इट इज अ लाइफलेस स्ट्रक्चर विदाउट एनी लव और इमोशंस. तो हाउस का क्या डिफाइन किया इसने कि ये एक हाउस किससे बना होता है, ब्रिक से, पत्थरों से, ईंटों से, टायर से, लकड़ी से ये हाउस बनता है. इसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते, किसी प्रकार का लव नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता. ऑन द अदर हैंड ए होम इज मेड अप ऑफ फैमिली मेम्बर्स हु लव एंड हेल्प ईच अदर. दे वर्क फॉर अदर्स विदाउट थिंकिंग अबाउट देमसेल्स. विदाउट लव एंड काइंडनेस ए हाउस कैन नॉट बिकम ए होम. तो होम, हाउस तो बता दिया इसने किससे बनता है, ईंटों से, पत्थरों से, कोई लव इमोशंस नहीं होते. जबकि दूसरी तरफ होम, होम में क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके आपस में उनका बीच का प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, वे एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. तो हाउस होम नहीं बन सकता किसके बिना, लव और काइंडनेस के बिना. तो ये इसका डिफरेंस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए होम. ए होम बिकम्स ए होम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर. ए होम, एक घर, घर कब बनता है, जबकि उसमें प्रेजेंट होते हैं फैमिली मेंबर्स, जो आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन. तो ये सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं जब भी आपका घर बनता है. दे डू अनसेल्फिश एक्ट एंड टेक केयर्स ऑफ ईच अदर इन हैप्पी एंड मौन डेज. इफ देयर विल बी नो फैमिली देन देयर विल नॉट बी एनी होम. तो ये क्या अनसेल्फिश एक्ट करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता इनमें, एक दूसरे की केयर करते हैं, प्रॉब्लम्स को एक साथ डटकर उसका सामना करते हैं. तो अगर इफ देयर विल बी नो फैमिली देन देयर विल नॉट बी एनी होम. अगर ये फैमिली नहीं होगी तो वो घर, घर नहीं होगा. तो इसलिए फैमिली क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है होम में. फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द काइट एंड द शिप. The poet has drawn a spectacular picture, शानदार picture drawn किया of the flying kite in the poem. Kite poem में उसने बहुत अच्छी शानदार picture draw की है, किसकी, उड़ती हुई kite की. Here in the poem the kite, the poet compares the movement of the kite with the ship. इस poem में poet किसको compare करता है, kite की movement को ship की movement से compare करता है. The kite appears to be similar as a ship with a sail as it dips, dives and soars of high. वो क्या, ऐसे ही kite similar होती है जैसे ship की sail होती है, जो वो डुबकी लगाती है, गोता लगाती है और उड़ान भरती है, उसी के साथ उसने kite को भी compare किया है. The movement of the kite in the sky एंड शिप इन दिस सी बियर सिमिलर रिजेंबलेंस. तो पोइट ने बोला है कि जो काइट की मूवमेंट होती है स्काई में और शिप की मूवमेंट होती है समुद्र में, तो उन दोनों को रिजेंबल बोला है पोइट ने. यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके, तो इसी के साथ हमारा सारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है. हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाए और एग्ज़ाम अच्छे से देना, आपके अच्छे मार्क्स आएँ. ओके, थैंक यू.